मथुरा में जीएलए यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने सभी को संबोधित भी किया। गन्ना और चीनी विकास विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री नयनदास अग्रवाल जी, उप कुलाधिपति प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान जी, कुलपति डॉक्टर पागुनी गुप्ता जी, आज के समारोह के सभी सम्मानित अतिथिगण, समारोह में उपस्थित सभी अभिभावकगण, स्नातक प्रास्नातक और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है जब ब्रजभूमि में स्थित इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के एकादश दीक्षांत समारोह में मुझे आप सबके साथ संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। ब्रजभूमि की जब मैंने बात की तो एकाएक हम सब का ध्यान आज से 5000 वर्ष पूर्व किस दिव्य घटना के साथ होता है, जब लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरा पर हुआ होगा। जन्म और उनके जीवन की बचपन की लीलाओं का आज भी इतनी प्राचीन विरासत को लेकर के हम सब चल रहे हैं। उस समय साधन नहीं रहे होंगे, लेकिन मुझे एक बात अक्सर याद आती है, जब मैं प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रचनाओं को देखता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी चिंतक थे, हो सकता है कि उनका मंदिरों में जाना न रहा हो, लेकिन जब उनसे एक बार पूछा गया कि भारत की एकता, इसके एकात्मता और अखंडता के आधार बिंदु क्या है, उन्होंने इस पर विस्तार से लिखा भी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया के अंदर तमाम देश बने हैं, बिगड़े हैं, परंपराएं आई हैं, समाप्त तो हुई हैं, लेकिन अगर भारत भारत बना हुआ है, इसके पीछे तीन महापुरुषों का सर्वाधिक योगदान है। उन्होंने शब्द महापुरुष कहे थे, उन्होंने कोई ईश्वर नहीं कहा, कोई भगवान नहीं कहा, उन्होंने कहा ये तीन हैं जिन पर जब तक भारत की आस्था रहेगी तब तक भारत भारत बना रहेगा। और ये तीन हैं, एक राम,
एक कृष्ण और एक शिव। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर आप देखेंगे तो पूरब से पश्चिम तक। वायुनाम में फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के रहने वाले शख्स की